बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चिकन पुलाव की रेसिपी बना रहे हैं जिसमें 2 गिलास बड़े चावलों के हैं, 1 किलो चावल समझ लें, 1 किलो चिकन है और 1 मीडियम साइज की प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2-2 टेबल स्पून और 1 बड़े साइज का टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें और 1 कप ऑयल और इसमें 2 टेबल स्पून के जो है वो नमक है और थोड़ा सा गरम मसाला और 1 कप दही का। हमने वो ऑयल डाल दिया है पतीले में और इसे गर्म किया है, उसके बाद इसमें हमने प्याज डाल दी कटी हुई और इसको हल्का सा ब्राउन करना है। अब हमने पेस्ट डाल दें और इसको हल्का सा फ्राई करें। अर्रहमान रहीम, अब इसमें प्याज हमारी हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और इसको हल्का सा फ्राई करें। इसको हल्का हल्का कट लगा लें ताकि अच्छे से मसाला जो है उसके अंदर मिक्स हो जाए। स्टेज के ऊपर आप जो है वो चिकन डाल दें, जब लहसुन और अदरक जो है हल्का सा वो हो जाए फ्राई, और चिकन के साथ ही आपने नमक जो हमने रखा हुआ था 2 चम्मच और जीरा गरम मसाला जो साबुत गरम मसाला वो डाल देना है और इसको हल्का सा फ्राई कर देना। इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया और अब इसके अंदर हम 1 कप जो है दही का डाल देंगे और साथ ही टमाटर और हरी मिर्च भी डाल देंगे। हम हिलाएंगे और अच्छी तरह से इसका मसाला हमने भून लेना है, दही मिक्स हो जाए और हर चीज जो है बिल्कुल यकजान हो जाए। मीडियम आंच पे बनाना है और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि इसका पानी जो है चिकन का खुश्क हो जाए। ये देखें, इस टाइम चिकन जो है वो पानी अपना छोड़ रही है और जब इसका पानी इंशाल्लाह ताला खुश्क हो जाएगा तो इट्स मीन के हमारा जो चिकन है वो रेडी है पुलाव के लिए। अब ये स्टेज पे आ गया है पानी डालने के बाद, अब इसमें हमने 4 गिलास पानी के डाल देने जिससे इसकी यखनी बनेगी और फिर उसको उबालें। 1 गिलास पानी का डाल दिया और अब इसको हमने बॉयल करना है, ढक के रखते हैं। अल्लाह रहमान रहीम, ये इस पोजिशन में आ गया है, 5 से 10 मिनट हो गए इसे बॉयलिंग पे। इस टाइम पे आप डाल देंगे इसमें चावल जो कि हमने धो के अच्छी तरह रखे हैं। हल्का सा इसको हिला लें ताकि चावल टूटे भी ना, और अब इसको तेज आंच पे कवर करके रखें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये इस पोजीशन में आ गया है, हमने चूल्हे की जो आंच है वो तेज ही रखनी है और अब ये थोड़ी देर में इसको हम दम दे देंगे। ये 8 अफराद के लिए है और उस हिसाब से बनाया। अब ये ऑलमोस्ट चावल दम पे देने के लिए रेडी है रहीम, ये अब दम के लिए बिल्कुल रेडी है और अब आप इसको कवर ढक्कन को किसी साफ कपड़े से कवर करके दम दे दें, हल्की आंच बिल्कुल कर लें। ये अब हमने दम दे दिया और इसके ऊपर आप तवा रख लें, कोई भी भारी चीज रख लें। ये दम जो है अब हमने दे दिया, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम दम देंगे। जी माशाल्लाह से तैयार हो गया चिकन पुलाव, दम डाल दिया गया, अब जो है इसको हम डिश आउट करेंगे। तकरीबन 1/2 किलो के करीब दही ले लें और उसके अंदर आप ये सारे जो हैं काटे हुए प्याज, खीरा और ये है पुदीना और धनिये और सब्ज़ मिर्च की चटनी फ्रेश ग्राइंड की और थोड़ा सा जीरा और चुटकी नमक, ये सब चीज़ों को मिक्स कर लें। दही को आप अच्छी तरह पहले फेंट लें और जी ये हमारा रायता मजे का चिकन पुलाव के साथ रेडी। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर हल्का साबुत जीरा जो है वो छिड़कते हैं। रहमान रहीम जी, ये हमारी फाइनल डिश है चिकन पुलाव, मज़ेदार किस्म का और साथ में रायता। आप ये बनाएं घर में, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़े का बनेगा, इंजॉय करें।